सभी एजेंसियों का जो सर्वे आ रहा है सभी में एनडीए को 350 सीट के आसपास सीटें मिलेगी ऐसा एक पॉजिटिव सर्वे आ रहा है एग्जिट पोल में, तो यही होने वाला था कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी अलायंस जो एनडीए की पार्टी है वो बहुमत प्राप्त करेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। सर 400 का नारा दिया था जो अभी रुझान आ रहे हैं इसमें 350 360 तक पहुंचे। देखिए एक 400 का नारा एक लक्ष्य था हमारा और एक कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि पिछले 10 साल में हमने जो काम किया है हमने जो वादे निभाए हैं हमने देश की तरक्की की है दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और एक ईमानदार शासन मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिला है ये उसके कारण एक हमारा कॉन्फिडेंस था एक नारा बन गया 400 पार तो वो उसके नजदीक ही हम पहुंचे हैं। सर कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़गे ने कहा कि हम 295 तक पहुंच रहे हैं एग्जिट पोल बीजेपी या तो एनडीए के साथ। देखिए कांग्रेस पहले से ही जानती है और इसलिए वो एग्जिट पोल का उन्होंने बहिष्कार किया है एग्जिट पोल को मानते ही नहीं है और चुनाव के नतीजे आएंगे फिर ईवीएम को भी नहीं मानेंगे ये कांग्रेस की पद्धति रही है। कांग्रेस वाले जानते हैं कि उनको कुछ ज्यादा बैठक मिलने वाली भी नहीं है और कांग्रेस अब डूबती नया बन गई है जनता कांग्रेस को जान गई है और मैं नहीं मानता हूं कि भारत की जनता अब कांग्रेस पर भरोसा करेगी। सभी एजेंसियों का जो सर्वे आ रहा है सभी में एनडीए को 350 सीट के आसपास सीटें मिलेगी ऐसा एक पॉजिटिव सर्वे आ रहा है एग्जिट पोल में, तो यही होने वाला था कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी अलायंस जो एनडीए की पार्टी है वो बहुमत प्राप्त करेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। सर 400 का नारा दिया था जो अभी रुझान आ रहे हैं इसमें 350 360 तक पहुंचे। देखिए एक 400 का नारा एक लक्ष्य था हमारा और एक कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि पिछले 10 साल में हमने जो काम किया है हमने जो वादे निभाए हैं हमने देश की तरक्की की है दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और एक ईमानदार शासन मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिला है ये उसके कारण एक हमारा कॉन्फिडेंस था एक नारा बन गया 400 पार तो वो उसके नजदीक ही हम पहुंचे हैं। सर कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़गे ने कहा कि हम 295 तक पहुंच रहे हैं एग्जिट पोल बीजेपी या तो एनडीए के साथ। देखिए कांग्रेस पहले से ही जानती है और इसलिए वो एग्जिट पोल का उन्होंने बहिष्कार किया है एग्जिट पोल को मानते ही नहीं है और चुनाव के नतीजे आएंगे फिर ईवीएम को भी नहीं मानेंगे ये कांग्रेस की पद्धति रही है। कांग्रेस वाले जानते हैं कि उनको कुछ ज्यादा बैठक मिलने वाली भी नहीं है और कांग्रेस अब डूबती नया बन गई है जनता कांग्रेस को जान गई है और मैं नहीं मानता हूं कि भारत की जनता अब कांग्रेस पर भरोसा करेगी।